अस्सलाम असलकुम अज़ीज़ तलबातलब हमारा ताल्लुक़ बहरिया कॉलेज यूनिटी से मैं आपकी उर्दू की मौलमा हूँ आज मैं आपको जमात नाहम के निसाब में शामिल सबक हजरत नबी के अहम नुकात की वजाहत करूंगी इसके मुसन्फ अमा शिवली नुमानी हैं। ये मज़मून उनकी मार्कतुलारा किताब सीरत नबी से माखूज है इस सबक के जरिए हम इस बात से आगाह हो सकेंगे कि हिजरत की जरूरत क्यों पेश आई और उस वक्त इस्लाम को क्या मसाइल दरपेश थे और हादिय बरहक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि सल्सम ने किस तरह सब्र और सदाकत व अमानत का मज़ाहरा किया ये सबक हमें हमारी अमली ज़िंदगी में उन तमाम जवाहर अखलाक से आरास्ता करता है जो सीरत पैगम्बर सल्ला वल्लम का दृश्शांलू है ताकि हम अपनी अमली ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और इस्लाम की राह से मुनसलिक हो सकें हिजरत से मुराद यूं तो एक जगह से दूसरी जगह चले जाना है लेकिन हिजरते नबवी से मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के हुक्म से मक्का छोड़कर मदीने चले जाना है उस वक्त जब दावत हक के जवाब में दावत हक यानी अलैहि वसल्लम ने जो दावत दी हर तरफ से तलवारों की जानकारी सुनाई दे रही थी हाफिज आलम यानी हजूर अक्रम सलम ने मुसलमानों को दार मदीने की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया लेकिन आप सल्ला अपने ज बारे में हजूर अक्रम सलम अल्लाह त हुक्म का इंतजार करने लगे जब नबूत का तेरवा साल शुरू हुआ अक्सर साहब अक्राम मदीना पहुंच चुके थे बहू पे खुदा हजूकम सल वसलम ने भी मदीने का अज़म फरमाया जब क्रैश ने देखा कि मुसलमान मदीने जाकर ताकत पकड़ रहे हैं और हर तरफ इस्लाम फैल रहा है तो उन्होंने नदवा में एक इजलास आम किया जिसमें हर कबीले के रईस शामिल थे मुख्तलिफ मशवरे हुए किसी ने नाउजिल्ला मोहम्मद सल्हुस वसम को जंजीरों में जकड़ने का मशवरा दिया तो किसी ने कहा उन्हें जिला वतन कर दीजिए अबू जहल की राय थी कि हर कबीले से एक एक शख्स मुंतब हो और पूरा मजमा एक साथ मिलकर तलवारों से उनको कत्ल कर दे यही राय पसंद की गई शाम के वक्त अलैहि वसल्लम के आस्थान मुबारक का महासरा कर लिया गया आप वसल्लम से तमाम तर दुश्मनी के बावजूद भी तमाम कुफार आप वसल्लम के पास ही अपनी अमानतें रखा करते थे क्योंकि उन्हें आप सल्लाह वसलम की दयानत अमानत पर बहुत ज्यादा यकीन था इसीलिए आप अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाकर फरमाया मैं आज मदीने रवाना हो जाऊंगा तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर उड़ कर सो जाना और सुबह सबकी अमानतें वापस करके आ जाना ये सख्त खतरे का मौका था क्योंकि हजरत अली को इल्म हो गया था कि कुरैश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का इरादा कर चुके हैं गोया आज हजूर अलैहि वसल्लम का बिस्तर कतलगा की जमीन है लेकिन फातह खैबर यानी जिन्होंने खैबर किया उनके लिए कतलगा भी फूलों की सेज थी यहाँ मुसनफ ने हजरत अली की बहादुरी का जिक्र किया और साथ साथ अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत दयानत दारी को वे किया हिजरत से दो दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त हजरत अबूबकर सद्दीक रजील तशीफ ले गए और उन्हें अपने साथ ले जाने के इरादे को जाहिर किया के हजूर सलम अपने दोस्त के साथ मक्के से मदीने की तरफ रवाना हुए रास्ते में आपने गारे क्याम किया कुफार ने जब आप सल के घर का मुहासरा किया तो सारी रात गुजर गई सुबह उठे तो पता ही चला कि पलंग पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह हजरत अली मौजूद थे आपको मालूम है गार में हजरतम रजी तहा रोजाना खाना पहुंचाती तीन दिन और तीन रातें हजूर अक्रम सल्हसम ने गार में गुजारी काफिरों को होश आया तो उन्होंने तलाश शुरू की चौथे दिन वो आप सल्हसम की तलाश के लिए जो दौड़े तो ऐलान भी हुआ कुरैश ने ऐलान किया था कि जो शख्स शख्सूक को या अबू बकर को गिरफ्तार करके लाएगा तो उसे एक सौ इनाम ऊंट दिए जाएंगे सराका बिन हशम ने आप सलीम को देख लिया था उसने पीछा किया लेकिन उसका घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा बार बार कोशिश के बावजूद वो नाकाम रहा और आखिर उसके तमाम तर फाल निकालने के बावजूद भी वो ये जान गया कि ये मुमकिन नहीं है इसमें यकीन खुदा की तरफ से कोई हिकमत मौजूद है उसने अपने इरादे को तर्क किया और सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा करूं कि माफी मांग लू उसने हजरत वसल्लम के पास जाकर माफी मांग ली आपको मालूम है कि दो बार उसने घोड़े को आगे बढ़ाया हर बार घोड़े के पांव जो है वो टसेमस् होते बार बार ऐसा होने पर उसकी हिम्मत टूट गई थी उसने आज अलैहि असलम के पास जाकर माफी मांग ली आप सल्लाम ने उसे माफ़ कर दिया और आमिर बिन फहीरा के जरिए उसे अमन का एक फरमान भी लिखवा दिया फरमान अमन यानी पर्चे पर तहरीर लिख दी जाती थी कि तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा कर्ज ये कि चौथे दिन आप वसल्लम गार से निकले आप वसल्लम जानते थे अल्लाह ने जो हुक्म दिया है वो दावत हक को आम करने के लिए एक और अजीम रास्ता उस्तवार होना है हिजरत मदीना में बेशुमार नुकात मौजूद है अल्लाह ताला का हुक्म मानना लाजिम फिर मक्के से हिजरत कर जाना देखिए अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत जगह वो लगती है जहाँ इंसान इब्तदा से रहता है पैदा होता है आप वसल्लम का मक्के से हिजरत करना अक्सर सहाबा का मदीने पहुंच जाना हजरत अली को अमानत सौंपना और सदाकत अमानत का प्रचार करना फिर तीन दिन गार में क्याम करके हर तरह की तकलीफ बर्दाश्त करना उसके बाद सराका बिन हशम के घोड़े का ज़मीन में दस्ता गर्जी के चौथे दिन वसल्लम गार से निकले और वो तमाम मदीने वाले कि जिनको खबर हो चुकी थी कि आप सल तो तीफ ला रहे हैं वो रोज सुबह सवेरे शहर से बाहर निकलकर जमा हो जाते और दोपहर को हसरत के साथ वापस आ जाते वो इंतजार कर रहे थे कि कब अल्लाह के नबी हमारे दरमियान पहुंच जाएंगे आखिर आप वसल्लम चौथे दिन मदीना मुनव्वरा जिसका पुराना नाम यसरब था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद की वजह से उसको मदीनतनबी कहा जाने लगा यानी वो यसरब कहलाता था बाद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से वो मदीनतबी यानी नबी का शहर कहलाने लगा जब लोगों को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का इल्म हुआ तो वो जोश मसरत से घरों से बाहर निकल आए पर्दा नशीन खवातीन ने छतों पर चढ़कर दीदार किया मासूम बच्चों ने दब बजा बजा कर गीत गाए और तमाम शहर अल्लाह अकबर की आवाज से गूंजने लगा आप लिए 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 ने हमें ये पैगाम दिया कि दावत हक आम करना अल्लाह की राह में हिजरत करना तकालीब बर्दाश्त करना ये सब एक मोमिन का शुआर है लेकिन साथ साथ दयानत दारी और अमानत दारी को भी शामिल हाल जरूर रखना है कहते कराइन से पहचाना यानी उस यहूदी ने जो किले से देख रहा था उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानियां देखी कहा नहीं चेहरे से नूर साते हो रहा है तो उसने अहले अरब को पुकार कर कहा था तुम जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गया तमाम शहर अल्लाह अकबर के नारे से गूंज रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद कोई मामूली अम्र न था अजीज तलबा तालिबात हिजरत नबवी का पैगाम हम सब के लिए बहुत अजीम पैगाम है आपके पास यहाँ सवाल हैं मैंने इसमें तकरीबन सवालों के जवाब आपको समझा दिए हैं यानी हजरत नबी से क्या मुराद है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्हुसमनबूत के कौन से साल हिजरत फरमाई हज़रत अमीर से कौन शख्सियत मुराद है इसकी वजाहत करती चलूँ कि हज़रत अमीर से मुराद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चजाज़ाद भाई और मुसलमानों के चौथे खलीफा हज़रत अली करमल्ला वजह की शख्सियत है पाक सल्ला वसम ने हजरत से क्या इशादा फरमाया था फरमाया था ना कि मुझे की तरफ हिजरत का हुक्म हुआ है मैं आज मदीना नवरा रवाना हो जाऊंगा तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर उड़कर सो रहो सुबह सब लोगों के मानते थे जाकर वापस दे आना हजरत कौन थी हजरत हजरत वकर की बेटी थी जब नबी पाक सल्है वसलम मक्के से हजरत करके मदीना जा रहे थे तो रास्ते में गारे स्वर में ख़याम किया था तो हजरत आप सल्हम को तीन दिन तक उस गार में खाना पहुँचाती रही खुरा इसने क्या ऐलान किया यही ऐलान किया था कि जो भी गिरफ्तार करके लाएगा उसे एक खून बहा के बराबर यानी एक सो ऊट इनाम दिए जाएंगे कौन निकला सरा बिल निकला उसे तौबा की और आप सल अमल लिखवा लिया अजीज तलबा तलबात ये बात जहन में रखिएगा कि बोर्ड के कानून के मुताबिक आपको तमाम सवालों के जवाब कम अज कम तीन से चार सतर पर मबनी लिखना होते हैं बेहतरीन तरीका ये है कि आप सवाल का जवाब लिखते हुए भी सबक का नाम और मुसन्फ का नाम लिख देंगे तो बहुत बेहतरीन रहेगा सबक की अकतबास की तशरी कैसे की जाए एक अकतेबास आपको जिन्होंने मशक़ में भी दिया हुआ है लेकिन ये कोई तय नहीं होता कि बोर्ड में वही अकतेबास आएगा इसलिए मैं आपको इकतेबास की तश्री करने का तरीका समझा रही हूँ। इकतेबास लिखा जाता है उसके तीन लफ्ज शुरू के फिर डॉट डाल दिए जाते हैं और उसके बाद आखिर के चार लफ्ज फिर हवाल मतन होता है सबक का नाम मुसनफ़ का नाम जैसे सबक का नाम हजरत नबी मुसनफ़ का नामा शबिन फिर तारफ मुसनफ़ होता है उसमें मुसनफ़ के तर्ज तहरीर और चार तसनीफ़ के नाम लिखे जाते हैं ठीक है वो जरूरी लिखे जाते हैं जैसे मैं मौलाना हाली की बता देती हूँ कि अलमाम अलाली सीरतनौमान सबान मौलाना रूम और सबसे अहम सीरतनबी सल्हसम सयाको सबाक की हडिंग डलती है उसमें लिखा जाता है कि ये सबक ये जो इकतेबास है ये सबक के कौन से हिस्से से लिया गया है और मुसनफ ने इसमें कौन सा अहम नुकता वाजह किया है फिर जो इकतेबास दिया जाता है उसके मुश्किल अल्फाज के मायने रखे जाते हैं उसी सिर्फ उसके पूरे सबक के नहीं और फिर आसान अल्फाज में तशरी कर दी जाती है कि मुसनफ ने इस इकतेबास के जरिए मुसलमानों को या अपने पढ़ने वालों को क्या बात समझाने की कोशिश की है उम्मीद है आपको मालूम हासिल हुई होंगी और आप अपनी अमली जिंदगी में भी हजूर अक्रम सलम की ताली से फैज़ियाब होने की कोशिश करेंगे बच्चों का भी मौका मिले तो जरूर अलामा शिबी नौमानी की नबी का मतलब जरूर कीजिएगा बेहतरीन किताब है इसमें उन्होंने हजूर अक्रम सलम की जिंदगी के बड़े अहम वाकत को अहात तहरीर में लाने की कोशिश की है अल्लाह तुमको सलामत रखिए घर में रहिए अपना अपने वालदेन का अपने घर वालों की सेहत का ख्याल रखिए उम्मीद है आप इससे फैजियाब होंगे अल्लाह ताफि